वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आपके लिए अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग सीरीज का एक क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 की केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के उन चुनिंदा चैप्टर्स में से है जो कि कंसेप्चुअली बहुत ही डेप्थ वाले होते हैं। इनमें आपको बहुत बढ़िया से दोस्तों कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि सवालों को बहुत बढ़िया से घुमाया जा सकता है। अगर हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के सवालों में तो वहाँ पे कई बार एडवांस लेवल पे केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यूज़ होता है, कई बार टाइट्रेशन रिडॉक्स का भी यूज़ होता है, कई बार स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी यूज़ होता है। सो क्योंकि एडवांस लेवल पे इस चैप्टर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत अच्छे और डेप्थ वाले सवाल बनते हैं, तो उन सवालों को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको दोस्तों इस चैप्टर के बहुत बारीक से बारीक कंसेप्ट भी पता होंगे और आपको बहुत स्पेसिफिकली पता होगा कि यहाँ पर हमको ये चीज़ करना होता है। तो आइए चलिए इन्हीं चीज़ों को हम लोग ज़रा अपने इस रिवीजन वीडियो लेक्चर में एक बार रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, यहाँ पे शुरुआत होती है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने से। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, लेट्स से वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, लाइक दिस। तो इस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज -1/3 dA/dt -1/2 dV/dt and that is equals to +1/4 dC/dt। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने इक्वालिटी इस्टेब्लिश की है, ये इक्वालिटी किसके बीच में है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में है। सो यहाँ पे हम जो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करें, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो ब्रैकेट टर्म है, ये ब्रैकेट टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स उसकी मोलैरिटी। बट यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट नहीं है, उसका डिफरेंशियल है। सो दैट मीन्स व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट? आई एम टॉकिंग ओनली व्हाट दिस टर्म रिप्रेजेंट। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टर्म रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम। ये टर्म हमको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। क्योंकि माइनस साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज होने की मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करना है। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम लेना है और उसको 1/3 से डिवाइड करना होगा। तो ये दोस्तों हमारी इक्वालिटी रहती है। अब ये इक्वालिटी रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में है और इससे आप इनके डिफरेंशियल्स ऑफ कंसेंट्रेशन विद टाइम, इनके बीच में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे वी कैन से दैट dA/dt इज 3/2 ऑफ dB/dt। ये दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना होगा। अब सवालों में डिफरेंशियल आपको दिया नहीं जाता है, डिफरेंशियल यू हैव टू कैलकुलेट बाय सीइंग द ग्राफ। लेट से हमको ए का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको जिस समय का भी रेट निकालना है उस समय का आप dA/dt निकालेंगे और उस समय का dA/dt कैसे आएगा? स्लोप से। तो dA/dt यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम स्लोप, dA/dt यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम स्लोप। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3। तो हमको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इस तरह से हमको इंस्टेंटेनियस रेट लेना होता है। कभी भी अगर यहाँ पे हमको एवरेज रेट चाहिए होगा दोस्तों, तो तब हम लोग क्या लेंगे? टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो वहां पे हम लोग लेंगे दोस्तों टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो वो वहां पर भी दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारे पास रिलेशनशिप रहेगा।
तो ये दोस्तों चैप्टर का पहला पार्ट होता है जिसमें कि हमारे को ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, जिससे हमको रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों हमको पता चलता है। इसके बाद आगे चल के हमको इस चैप्टर में दोस्तों रिएक्शन में ऑर्डर निकालना दोस्तों सीखना होता है। अब उसको कैसे निकालेंगे बात करते हैं।